नमस्कार, मैं श्वेता आपका लुक स्मार्ट में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। कोहरे ने कम की ट्रेनों की रफ्तार, कई घंटों की देरी से चल रही है दिल्ली आने वाली 30 ट्रेनें। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है। आज मंगलवार को भी राजधानी के वातावरण में कोहरे की चादर छाई हुई है। इससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। आज 16 जनवरी को देश के विभिन्न हिस्सों में दिल्ली आने वाली 30 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। इससे रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेल यात्रियों को परेशानी मंगलवार को भी बनी रही। कोहरे के कारण अधिकांश ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। कई ट्रेनें एक दिन बाद अपने गंतव्य पर पहुंच रही हैं। इस कारण वापसी दिशा में 24 घंटे से ज्यादा विलंब से रवाना हो रही हैं। सोमवार को रवाना होने वाली नई दिल्ली दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 27 घंटा 50 मिनट की देरी से मंगलवार शाम 4:50 पर रवाना होगी। वहीं मंगलवार को चलने वाली यह ट्रेन 15 घंटा 30 मिनट की देरी से बुधवार शाम 4:30 चलेगी। मंगलवार को दिल्ली आने वाली 105 से ज्यादा ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं कोहरे से विजिबिलिटी कम होने से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रस्थान करने वाली लगभग 30 फ्लाइट में देरी हुई है और 17 को रद्द कर दिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट ने इस संबंध में एक सलाह जारी कर यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा से पहले अपनी फ्लाइट की जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें। पालम और सफदरगंज में 500 मीटर दृश्यता दर्ज की गई है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लुक स्मार्ट।